नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्स चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार राजा दशरथ और माता कौशल्या ही क्यों बने भगवान राम के माता पिता। वैसे तो दोस्तों इसको लेकर आपके मन में भी ढेरों सवाल होंगे, लेकिन आज हम इन सवालों को यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे कि क्यों बने राजा दशरथ और माता कौशल्या भगवान राम के माता पिता। दोस्तों भगवान राम को विष्णु का सातवां अवतार माना जाता है। इस अवतार में अयोध्या के राजा दशरथ को राम के पिता और देवी कौशल्या को इनकी माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हो सकता है कि आपके मन में कभी ये सवाल आया हो कि आखिर दशरथ और कौशल्या को ये सौभाग्य क्यों मिला, तो इसका उत्तर शायद पुराणों में मिलता है। आपको बता दें कि पुराणों के अनुसार राजा दशरथ पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु थे और कौशल्या इनकी पत्नी सतरूपा थी। इन्होंने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और इनसे वर मांगने के लिए कहा। तब स्वयंभू मनु और सतरूपा ने भगवान से कहा कि आप हमारे पुत्र बने, हमें यही वरदान चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि त्रेता युग में मेरा सातवां अवतार राम के रूप में होगा। उस अवतार में आप दोनों अयोध्या के महाराजा और महारानी बनेंगे। अपने इसी वरदान को पूरा करने के लिए भगवान राम दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लिए। राजा दशरथ ही कृष्ण अवतार के समय वासुदेव और कौशल्या देवकी बने थे। कैकेयी ने राम से कहा था कि मैं तुम्हें अगले जन्म में पुत्र रूप में प्राप्त करूं, इसीलिए कैकेयी यशोदा बनी और उन्हें भी कृष्ण की माता बनने का सौभाग्य मिला। तो ये थी भगवान राम के दशरथ और हमारी माता कौशल्या के कोख से जन्म लेने की कहानी कि आखिरकार क्या था इसका रहस्य, जो कि हमें पुराणों में भी मिलता है, एक तपस्या जिसके ज़रिए इन्हें भगवान राम के माता पिता बनने का सौभाग्य मिला। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ज़रूर बताइएगा।